एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो स्त्री जातक है वो किस तरह से अपनी कुंडली में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती है, उसका संक्षिप्त जवाब देने का हम प्रयत्न करेंगे कि इसके लिए आपको क्या देखना है। सर्वप्रथम जो है, हमने हमेशा बात की है कि जो भी जाति का है अपने जो कुंडली है उसमें लग्न को देखें। लग्न क्या होता है? लग्न ही है जो है आपका व्यक्तित्व है। शारीरिक सुख दुख जो है, जो स्वास्थ्य वगैरह है, वो सब आपको लग्न से देखना होता है। तो लग्न का बहुत विशेष महत्व होता है। लग्न का बलवान स्थिति हम अच्छे ये बोलेंगे जब लग्न का स्वामी अगर स्वग्रह होता है, जो भी लग्न हो आपका, जो भी ग्रह बन रहा है, जैसे यहाँ बुध है, अगर बुध यहीं बैठे स्वग्रह हो और यहाँ पे कोई पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं हो, या लग्न के स्वामी जो बुध है उसमें भी कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं हो, तो आप बोल सकते हैं कि लग्न के से आप देख सकते हैं कि ऐसा जो ये लग्न और लग्न स्वामी बलवान होने जाने के कारण आपका स्वास्थ्य वगैरह शारीरिक गठन बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अगर लग्न का स्वामी जो आपके जो भी कुंडली हो, लग्न का स्वामी अगर छठे भाव में, आठवें भाव में, बारहवें भाव में चला जाता है, तो इससे क्या होता है, लग्न निर्बल हो जाता है। तो निर्बल होने के कारण आपको उसमें शरीर सुख में थोड़ी कमी आएगी, इस तरह का आप जान सकते हैं। ऐसे ही देख सकते हैं कि लग्न के निर्बल होने, लग्न निर्बल कब हो जाता है, जब लग्न की डिग्रीज वगैरह कम हो, लग्न का स्वामी भी अगर पाप प्रभाव में आ जाता है और कहीं पे भी आके वो पाप प्रभाव नीच का हो जाता है, वक्री हो जाता है, और इस तरह से अगर वो लग्न पे भी अगर इस तरह के पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो लग्न और लग्न का स्वामी इन पाप ग्रहों के प्रभाव से, या लग्न का स्वामी नीच का हो, अस्त हो, वक्री हो, तो ये भी दिखाता है कि शारीरिक सुख में कमी ला देता है, इस तरह का अगर हो जाता है तो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी जाति का है आप अपने कुंडली में इस तरह का प्रभाव देखता है। अगर जो भी लग्न हो, लग्न का स्वामी स्वग्रही हो, उच्च का हो, मित्र राशि में हो, मूल त्रिकोण में हो, वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, शुभ प्रभाव में, शुभ ग्रहों की राशि में बैठा है, तो लग्न को मजबूत बोला जाता है। परंतु अगर उसमें इस तरह का प्रभाव जैसा दूसरे बताए कि वो नीच है, अस्त है, वक्री है, 6-8-12 में बैठ जाता है, तो उसके जो प्रभाव में कमी आ जाती है, तो वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपका शारीरिक जो है उसमें शरीर में दुर्बलता आ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है, क्योंकि लग्न है जो आपका शरीर है उसका, वो उस पे लग्न पे ऐसे प्रभाव आ रहे हैं, खराब प्रभाव आ रहे हैं, लग्न के स्वामी पे आ रहे हैं, तो शरीर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम, शारीरिक दुख बने ही रहेंगे आपके, ऐसा हम जान सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो लग्न का जो लग्नेश है वो अगर बलि होते हैं, बलि की डेफिनेशन हमने बनाई कि वो सौ राशि के, उच्च राशि के, मित्र राशि में, केंद्र में, त्रिकोण में बैठे हों और उनकी डिग्री अच्छी हो, सुप्रभाव में हो, और ऐसे नवांश कुंडली में भी उनको देख सकते हैं कि वो अच्छी स्थिति में हो, तो आपका शरीर जो है वो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, शारीरिक गठन अच्छा रहेगा। तो इसके विपरीत अगर वो पाप प्रभाव में है तो आपको शारीरिक कष्ट होने की आकांक्षा बनी रहती है। अगर वो इस तरह से प्रभाव में रहते हैं, शुभ ग्रहों का प्रभाव उसको अच्छा हेल्प करता है, और पाप ग्रहों के प्रभाव जो लग्न और लग्नेश को होने से, 6-8-12 होने से, नीच के होने से, अस्त होने से, वक्री होने से, उनके प्रभावों में निर्बलता आएगी, और इस तरह का आप अपने कुंडली में विश्लेषण के टाइम पे बात कर सकते हैं। तो आज हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरह से कुंडली में जो स्त्री जातक है अपने कुंडली में शारीरिक जो है स्वास्थ्य को, शारीरिक सुख दुख को किस तरह से देख सकते हैं, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। तो इस तरह अब हम जो हमारी चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको बेल आइकन जो है उसको आप क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे जब भी वीडियो अपलोड होंगे तो उसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी और हम सबसे पहले उसको देख सकेंगे। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया लग्न और लग्नेश के बारे में, जिससे उसका क्या प्रभाव रहता है स्त्री जातक की कुंडली में, वो स्वयं किस तरह से देख सकती है उसकी जानकारी दी। आपको अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन परामर्श के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।